न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये कहावत उस समय चरितार्थ में बदल गई जब जिला चिकित्सालय में शाम को करीब 4:45 पर कट्टे की आवाज जैसी ही जिला चिकित्सालय के प्रांगण में गूंजी कि हर कोई दहशत में आ गया। चारों तरफ आवाज की तरफ भागे, लेकिन आवाज कहां से आई इस पर गहमा गहमी चलती रही और आखिरकार उस वार्ड में तैनात महिला नर्स के खून उस कमरे से बाहर बहता नजर गैलरी में आया तो ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों में भय बैठ गया। और जैसे ही कमरे को झांक कर देखा तो उक्त महिला नर्स का शव फर्श पर पड़ा खून से लथपथ दिखा। तत्काल इसकी सूचना पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रितेश शाक्य व मृतिका महिला नर्स नेहा चंदेला का प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन उक्त नर्स की शादी किसी और से होने की जानकारी जैसे ही प्रेमी को लगी तो उसने उक्त मृतिका नर्स को उस शादी करने से मना कर दिया, लेकिन नर्स ने इसका विरोध किया। तभी आज आरोपी रितेश शाक्य ने सिर पर खून सवार होकर अपने साथ कट्टा लेकर जिला चिकित्सालय पहुँच कर उक्त नर्स की कनपट्टी पर रखकर गोली मार दी, जिससे महिला नर्स की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। और गोली मारकर आरोपी रितेश शाक्य ने जिला चिकित्सालय की पुलिस चौकी में जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस विवेचना में जुट गई कि आखिर आरोपी ने ये कदम क्यों उठाया। मृतिका नेहा चंदेला मंडला निवासी है और भिंड जिला चिकित्सालय में विगत 2018 में नर्स के पद पर पदस्थ होकर कार्य कर रही थी तथा वर्तमान में धर्मपुरी में एक किराए के मकान में निवास करती थी। मृतका की मौत की सूचना परिवारजनों को दे दी गई। परिवारजन मंडला से भिंड के लिए रवाना हो गए हैं। सरेरा महिला नर्स की मौत पर साथी महिला नर्सों ने जैसे ही नर्स की मौत की सूचना लगी तो सभी ने एकजुटता का परिचय देते हुए काम बंद कर दिया और अपनी सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन से मांग की। जिला चिकित्सालय में महिला नर्स की मौत की खबर जैसे ही पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान को लगी तो वह बिना देर किए जिला चिकित्सालय में पहुंचकर सीधे मृतिका के रूम में पहुंचकर घटना के हर बारीक बिंदु पर विचार किया। जिला चिकित्सालय की मौत की खबर से भिंड का आवाम भी जिला चिकित्सालय पहुंचकर इस घटना के बारे में जानकारी जुटाता देखा गया। टीम भारती न्यूज। आपके साथ में सिस्टर काम करती है, उसकी वो गोली मारकर हत्या करती है। हम लोग तो मेडिकेशन कर रहे थे, अचानक से हाउसकीपिंग आया और उन्होंने बताया कि सिस्टर को किसी ने कुछ कर दिया है, तो हमने दौड़ के वहाँ जाके देखा, सिस्टर पड़ी हुई थी। तो हाउसकीपिंग द्वारा मारी गई है गोली क्या? नहीं, हाउसकीपिंग आंटी ने तो आके बताया है हमें। अच्छा, तो कौन देखा होगा? कुछ काम से गई होगी वहाँ पे, सफाई के से उन्होंने देखा होगा। तो आपके साथ में जॉब कर रही थी क्या ये? हाँ, हमारी इंचार्ज थी वो। क्या नाम है आपका? आरती जोहर। जो गोली मारी है नर्स को, क्या मामला है? ये घटनाक्रम हुआ था अभी शाम का, इसमें एक नर्स है जिनको गोली मार दी गई थी, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। इसमें जो आरोपी था उसको आइडेंटिफाई करके अभी राउंड अप कर लिया गया है और उसने बातचीत में ये बताया है कि जो है उनका उसने प्रेम प्रसंग का कुछ उसका इशू था और हाल में ही कुछ उसकी मंगनी तय होने से शुभ होकर उसके द्वारा इस घटना का सामना नहीं हो। Subscribe now to most exciting channel ever.